Hello student, it's your bio classes and today we will discuss about our new chapter that is control and coordination. Before starting the chapter, we have to know the words. What do you mean by control and coordination? So let's discuss the topic. See, what do you mean by control and coordination? Control ka or coordination, ye dono ka meaning kya hai? Pehle ye samajhna zaruri hai. पहले आप ये समझो कि कंट्रोल दैट मींस हाउ टू कंट्रोल एनी टाइप ऑफ सिस्टम. जैसे भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसे कंट्रोल वे में करते हैं ताकि हमारा बैलेंस नहीं डिसबैलेंस्ड हो जाए. अगर आप किसी चीज़ को राइट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट इस वेरी एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल कि आप किसी चीज़ को राइट कर रहे हो तो आप बैलेंस्ड वे में पेन को हैंडल करते हो और उसे कॉपी पे उसी फ्लो में लेके जाते हो जिससे कि आप किसी राइटिंग को बैठा सको और लिख सको. ओके, और उसी कंट्रोल वे में आपका माइंड भी वर्क कर रहा है. ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो और आपका बैलेंस भी नहीं जा रहा, कुछ भी लिख रहे जा रहे हो, ये कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स. ठीक है, ये आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो माइंड वाइज एंड आपको कॉपी में ऐसे ही हैंड्स चल रहा है और आप कुछ भी लिखे जा रहे हो. कंट्रोल इन दैट सेंस कोई भी बॉडी का फंक्शन होता है तो वो एक कंट्रोल वे में होना ज़रूरी है. अगर आप साइकिलिंग ही करते हो, साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो जो भी है, तो आप उसे कंट्रोल वे में हैंडल करते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, दैट इज़ कंट्रोल. ओके, एंड व्हेन वी टेल अबाउट द कोऑर्डिनेशन, अगर हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करें दैट मीन्स हम जो भी वर्क को कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन होता है, एक साथ काम करना होता है. जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पिक किए थे, उसमें से एक एग्जांपल था रिटेन वर्क. अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप तभी लिख सकते हो जब आपका माइंड उसे सोचता है, ब्रेन ने थिंक किया तब आपने लिखा. बट यहाँ आइज़ का भी वर्क है कि आप देख रहे हो कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं. लाइक वे साइकिलिंग एंड बाइकिंग की बात की गई कि अगर आप उसे चला रहे हो तो कंट्रोल वे में चला रहे हो बैलेंस करने के लिए खुद को, तो कंट्रोल वे में चलाते हुए कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है यहाँ पे. अगर आप साइकिलिंग की बात करो तो आप पैडल भी कर रहे हो, हैंडल को बैलेंस भी कर रहे हो, साथ में थिंक भी कर रहे हो आपको कहाँ जाना है कैसे जाना है, आपके आईज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप रास्ते को देख रहे हो तभी आप उस वेज में जा रहे हो. बाइकिंग में भी सेम थिंग है, आपको हैंडलिंग शो करते हुए अपने ब्रेन को और आइज को कोऑर्डिनेट करना होता है. दैट मीन्स द ऑल ओवर कि आप कैसे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके, बॉडी ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करके एक कंट्रोल वे में वर्क को कर रहे हो. ये पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है, जानना है कि एनिमल्स और प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं. इन दैट सेंस कि कोई भी एनिमल अपने बॉडी का सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है या प्लांट कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें यहाँ टॉपिक्स में जानना है. तो बिफोर वी गोइंग थ्रू द एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम सबसे पहले प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे. हेयर इज अ पॉइंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सी वन थिंग कि एनिमल्स में जो भी वर्क हो रहा है, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, तो उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है, बट प्लांट क्या है ना, वो स्टैटिक है, एक जगह स्थिर है, तो उनका जो मूवमेंट वर्क है वो चल के तो सर्कुलेशन ये सब वर्क नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से उनका काम हो रहा है. बट ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट वे में भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो स्टैटिक है, उनका जो मूवमेंट है वो जितना भी पार्टिकल्स मूव हैं या जिसकी बात करें वो काफ़ी स्लो होते हैं, तो दैट मीन्स उनका ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो डाउन होता है. प्लांट्स ग्रोथ वाइज स्लो, मतलब उनका वेरियस पार्ट है बहुत स्लोली ग्रो करता है. इन दैट सेंस अगर हम ट्री की बात करें तो आप देखोगे कि काफ़ी सालों तक वो ग्रो ही करते रहते हैं, और इवन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एक सर्टन ग्रोथ के बाद स्टंट होता है, स्टैटिक हो जाते हैं. लाइक वाइज प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, बट वो जो ग्रो करेंगे तो उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क उनके स्टिमुली पे डिपेंड करेगा. ठीक है, स्टिमुली इन सेंस वेरी स्टिमुली पे वो रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है. स्टिमुली जो भी बाहर से कोई भी एक्शन आ रहा है जिस पे प्लांट रिएक्ट करेंगे,
दैट इज़ कॉल्ड स्ट्यूबली। जो भी इस लाइट है उसका इम्पैक्ट उस प्लांट पे क्या पड़ रहा है, तो लाइट एक टाइप का स्ट्यूमली हुआ। अगर वाटर है तो वाटर की वजह से प्लांट क्या रिएक्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्यूमली। यहाँ पे एग्जाम्पल्स पुट आउट किए गए हैं, ग्रेविटी, वाटर, लाइट, केमिकल टच, ये सब जितने हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एक टाइप का स्ट्यूमली है जिसकी वजह से प्लांट रिएक्ट करेगा। और प्लांट अपने रिएक्शंस जो देगा वो एक ही वेज में देता है, दैट इज़ द केमिकल सब्सटेंसेस। क्योंकि प्लांट्स में न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो थिंक नहीं कर सकते, उनके पास ब्रेन नहीं है, वो थिंक नहीं कर सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, बॉडी रिएक्ट नहीं कर सकता उनका, उनके हैंड्स नहीं है इसलिए। तो वो नर्वस सिस्टम को यूज़ नहीं करके एंडोक्राइन सिस्टम, और सिंपल वे में हम कहें एंडोक्राइन सिस्टम भी नहीं, अगर हम ये सिंपल वे में कहें हार्मोनल सिस्टम को वो यूज़ करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है जो एनिमल्स में होता है, तो हम इसे पर्टिकुलाइज कर सकते हैं कि ये केमिकल वे में परफॉर्म करते हैं। उनके बॉडी कोई भी जो भी स्टिमुलस बाहर से आ रहा है उसे जब भी वो रिएक्शन देंगे, किसी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देंगे, तो वो केमिकल वेज में देंगे। और वो जो केमिकल वो रिलीज़ करते हैं उन्हें प्लांट हार्मोन कहा जाता है, और इसे हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइटो हार्मोन, फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर, यानी केमिकल सब्सटेंस। प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसे हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ चल रहा है, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, वो काम हो पाएगा। यहाँ पे प्लांट हार्मोन के लिस्ट आउट की गई है, इसमें आपको हर एक बुक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता ही रहेगा, तो हम किसी एक पॉइंट को पुट आउट करेंगे और टॉपिक्स को समझेंगे। यहाँ पे फाइव टाइप के प्लांट हार्मोन बताए गए हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड, इथिलीन। आई रिपीट इट अगेन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सेसिक एसिड एंड इथिलीन। एब्सेसिक एसिड को ए बी ए ये भी बोला जाता है, ये इसका फुल फॉर्म है। नाउ वन बाई वन हम इसे डिस्कस कर ले। फर्स्ट ऑक्सिन, ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, वो प्लांट के टिश्यू के ग्रोथ में हेल्प करता है। अब प्लांट के टिश्यू के में ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, सी मैं वन बाई वन जब डिस्कस करूँगी तो यहाँ पे आपको एक बार डायग्राम्स के थ्रू कोशिश करती हूँ बताने की, दैट्स क्वाइट हेल्पफुल, होप सो। ये शूट सिस्टम है अपसाइड ऑफ द सॉइल एंड ये रूट सिस्टम है। ठीक है, रूट सिस्टम के टिप पोर्शन में जहाँ से ये रूट ग्रो कर रहा है, और शूट सिस्टम के टिप पोर्शन में जहाँ से ये शूट ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे इस टिप पोर्शन में ऑक्सिन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यानी कि रूट का लास्ट पार्ट और शूट का लास्ट पार्ट, यहाँ पे टिप पोर्शन में ये ऑक्सिन प्रेजेंट रहेगा। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करते हैं उसके टिप पे ऑक्सिन प्रेजेंट होते जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट आगे ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, ये सेल ग्रोथ में इसीलिए कहा जाता है हेल्प करते हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न जो होगा ना वहाँ ऑक्सिन प्रेजेंट होते जाएंगे और उसे ग्रो करने में हेल्प करते जाएंगे। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, साइटोकाइनिन। सी द वर्ड साइटो मीन्स सेल, काइनिन दैट मीन्स टू ब्रेक डाउन, सेल्स का ब्रेक डाउन। और ये इसका वर्क निकालना इसलिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि ये इसके वर्ड्स में इसका मीनिंग दिया हुआ है। इट प्रमोट द सेल डिवीज़न सी एंड डिले द एजिंग ऑफ द सेल। एजिंग ऑफ द सेल दैट मीन्स अगर सेल्स बार बार डिवाइड होंगे तो वो न्यू सेल्स बनाएंगे और एज नहीं दिखेगा, मतलब वो प्लांट पुराने नहीं होते जाएंगे, उनका वो अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब है ये। ठीक है, सी साइटो वर्ड साइटोकाइनिन क्या करेंगे, एक सेल है प्लांट का एक सेल, उसे डिवाइड करके दो सेल बनाएंगे, उसके बाद यही दो सेल फिर डिवाइड करके दूसरे सेल्स बनाएंगे, ये सेल डिवीज़न है। सेल डिवाइड करके टू मोर सेल्स बनाते जाएंगे। जिब्रेलिन दैट इज़ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक है, इनिशिएट सीड जर्मिनेशन
जिसमें हम कहते हैं ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी, ठीक है, मैं अभी ये वर्ड डिस्कस करूँगी, एंड प्रमोट द फ्लावरिंग, सेल डिवीज़न एंड सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जिबरेलिन के लिए, दैट मीन्स इट हेल्प्स टू ब्रेक सीड एंड बर्ड डोरमेंसी। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स का जो सीड है, ठीक है, सीड और बर्ड, बर्ड मतलब जैसे स्टेम ग्रो करता है ना, तो एक एक पार्ट जो आगे ग्रो होने वाला है वो स्टार्टिंग में एक सॉलो पोर्शन बनाते हैं जिसे हम बर्ड कहते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं यहाँ से मान लीजिए, तो स्टेम यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और यहाँ पे अभी स्टेम निकलने वाला है, तो यहाँ पे पहले बर्ड बनेगा, ये जो डॉट है दैट इज़ बर्ड, उसके बाद यहाँ से स्टेम निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसे बर्ड कहा जाता है। ये क्या करता है, जिब्रेलिन सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब सीड में जो डोरमेंसी है, मतलब सीड्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो जब जिब्रेलिन यहाँ प्रेजेंट होगा तो वो सीड्स ग्रो करने लगेंगे। बर्ड्स जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इन एनी रीज़न, किसी भी वजह से, मे बी वहाँ जिब्रेलिन प्रेजेंट नहीं हो पाया है या नहीं आ पाया है किसी वजह से, तो अगर वो सर्कुलेशन में, मतलब कंडक्शन हो रहा वाटर का या फूड का, तो उस वजह से अगर जिब्रेलिन इस पोजीशन में, इस प्लेस पे प्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ पे वो सीड की और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा और वहाँ से सीड जर्मिनेट होने लगेंगे और बर्ड भी जर्मिनेट होने लगेगा, ठीक है। इस वजह से ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, और जब वो ब्रेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल डिवीज़न होगा, तो साइटोकाइनिन प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। जब जिब्रेलिन प्रेजेंट होगा तो साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करना अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब साइटोकाइनिन अच्छे से सेल डिवाइड करेंगे तो उसके टिप पोर्शन पे ऑक्सिन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, जो क्वेश्चंस बार बार बोर्ड एग्जाम्स और प्री बोर्ड ये सब में आते हैं, दैट इज़ ABA। इसे हम एब्सेसिक एसिड कहते हैं। इसे इनहिबिटरी हार्मोन और सीड डोरमेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। आई रिपीट इट अगेन, इसे इनहिबिटरी हार्मोन और सीड डोरमेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। आपको बुक्स में मिलेगा ये कि इसे क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड कॉज, सी हियर इज़ अ पॉइंट, इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड कॉज विल्टिंग ऑफ द लीव्स। विल्टिंग मतलब वो जो लीव्स होते हैं पुराने हो जाते हैं, उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, एंड प्रमोट द डोरमेंसी ऑफ द बर्ड एंड सीड्स। सी यहाँ पे वर्ड क्या है, प्रमोट, एंड इट ब्रेक्स, मैंने अभी जो डिस्कस किया था, ये ब्रेक करता है और ये प्रमोट करता है सीड की डोरमेंसी को, दोनों, ठीक है, अपने अपने काम को करते हैं। अभी हम ये डिस्कस कर ले, ABA जिसे हम एब्सेसिक एसिड कह रहे हैं, ये ABA क्या करता है, इसे हम इनहिबिटरी हार्मोन कहेंगे और इसे सीड डोरमेंसी हार्मोन भी कहा जाएगा। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, अभी आपने रीज़न देखा कि ये वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो वो उसे प्रमोट नहीं होने देंगे। होप सो आपको स्पेलिंग समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया है, ठीक है। ये क्या है ना, इनहिबिटरी हार्मोन, क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करना मतलब रोकना, ठीक है। ये क्या रोकेंगे, जैसे ये सीड है, अगर ABA इसमें प्रेजेंट है तो ये सीड ग्रो कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सोचो कि सीड्स ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये तो सोचो कि जब ऑफ सीज़न होता है तो हम सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं ना, और सीड्स को स्टोर करने से पहले हम सबसे पहले उसे सनलाइट में ड्राई करते हैं। हम ड्राई इसलिए करते हैं ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो एवोपरेट हो जाए, ठीक है। और ABA जब इसमें प्रेजेंट है तो सीड ग्रो नहीं करने वाले, जब इसे ग्रो करना रहता है तो आप ध्यान रखना, हम जब भी सीड्स को लगाते हैं तो पानी देते हैं, वाटर को यूटिलाइज करते हैं,
या फिर सॉइल अगर ड्राई नहीं है, मॉइस्चर उसमें कंटेन कर रहा है, तभी जाके वो सीड जर्मिनेट करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ABA के साथ रिएक्ट करता है, इन सेंस कि जैसे हम वाटर को देंगे, ये एब्सेसिक एसिड लेस रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब उसका फंक्शन कम होने लगेगा, उसका इम्पैक्ट कम होने लगेगा, जिसकी वजह से सीड्स क्या करते हैं, अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करके रखे हैं एंडोस्पर्म के फॉर्म में, वो धीरे धीरे यूटिलाइज करने लगते हैं और यही सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगता है। जैसे जैसे आप प्लांट को वाटर देते हो ना, ये इनका रिएक्शन होता है और वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स जब तक ये प्रेजेंट था तब तक इसने सीड्स के ग्रोथ को इनहिबिट किया, रोक दिया, इसीलिए इसे इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है या सीड डोरमेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही टॉपिक्स अभी मैंने को बताया है। ओके, सी द लास्ट टॉपिक, इथिलीन। इथिलीन में यह पॉइंट्स दिए गए हैं, दिस इज़ गैसेस हार्मोन ऑब्वियसली विच कॉज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आप जब देखना कि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है, जब फ्रूट पकते हैं ना, तो उसकी स्मेल्स आती है, दैट इज़ द गैसेस फॉर्म। ठीक है, इसीलिए इसे गैसेस हार्मोन कहा जाता है। और ये फ्रूट जो फल पकते हैं ना, वो उसमें हेल्प करता है, इथिलीन प्रेजेंट होगा उस फ्रूट में तो वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट होंगे। आज की डेट में जैसे इस सीज़न में क्या है, आम को ज़बरदस्ती पका के मार्केट में बेचा जाता है, तो आप उस टेस्ट को और जो नेचुरल पका हुआ आम है ऑब्वियसली खाए हो, तो उसके टेस्ट को आप कंपैरिजन करके देखना कि अगर किसी फ्रूट को कार्बाइड से पकाया गया है ज़बरदस्ती, और जो नेचुरली राइप होते हैं फ्रूट पकते हैं, उनकी टेस्ट में बहुत डिफरेंस आता है। ये बेसिक डिफरेंस है, आप टेस्ट पे ये डिपेंड करता है, इथिलीन इसमें हेल्प करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द प्लांट हार्मोन, एंड प्लीज़ व्हेन यू सी द वीडियो प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन्स। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आती है तो आप हेडफोन यूज़ करो, दैट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि आपके बहुत सारे पॉइंट्स यहीं डिस्कस हो जाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स मूवमेंट डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन एंड कीप स्टडी इन, बी हेल्दी। थैंक यू।